पाबंदी से पहले बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए सीए का बड़ा फैसला। इंग्लैंड के लिए मजमूई तौर पर 19 चार्टर्ड परवाजों की इजाजत दे दी। पीआईए को 8 चार्टर्ड परवाजों और ब्रिटिश एयरवेज को 2 परवाजों की इजाजत दी गई है। दिन कोई छुट्टी नहीं होगी और जो हमारा रमजान का जो शॉपिंग फेस्टिवल होता है, पहले अशरा छोड़ के दूसरे अशरे से 11वें रोजे थे, तमाम मार्केट है रात को जिस तरह खुलती है इसी तरह खुलेंगी, एक मार्केट भी कोई बंद नहीं होगी। और अगर किसी सरकारी इदारे ने हमारे ताजिरों को हाथ लगाने की कोशिश की तो सरीना मोबाइल मार्केट में तो आपने सिर्फ टेलर देखा है, अब हम हाथ भी तोड़ देंगे और टांगे भी तोड़ देंगे। हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद रखने का फैसला, ताजिर और सिंध हुकूमत आमने सामने। किसी सूरत भी कारोबार बंद नहीं करेंगे, ताजिरों का ऐलान। ताजिर इत्तेहाद ने दुकानें बंद कराने वालों की टांगे तोड़ने की धमकी दे दी। पीडीएम में दरार, एएनपी ने इत्तेहाद से अलीहदगी इख्तियार कर ली। अमीर हैदर होती बोले, हमसे जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असद यार वली को है, शोकाज देना ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान था। कुछ जमातें इत्तेहाद का अपने मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती हैं, जाति एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। बहुत ज्यादा बढ़ गई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान। बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कह दूं कि पीडीएम खत्म, जाहिर सी बात है अगर उसमें से पीपल्स पार्टी नहीं होगी और एएनपी नहीं होगी तो वो तो पीडीएम का वो अब एक नया इत्तेहाद क्या शेप लेता है और क्या मकासद होते हैं वो एक अलग बात है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ऑपोजिशन के नए इत्तेहाद का इशारा। तर्जमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत ज्यादा खलीज पैदा हो गई, जो पीडीएम इत्तेहाद 2020 में बना था वो अब नहीं रहा। मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम नसीम ज़ैरक 8 में गुफ्तगू। जिस हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे थे उसी हुकूमत से उन्होंने वोट हासिल किए, क्या दीवार से लगाया जा रहा था, आप मरकजी नायब सदर थे। आज क्या हुआ उसको, ये 10-15 दिन में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि हमने उनको दीवार से लगाया। झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। एएनपी के अमल से जग हसाई हुई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का रद्देअमल। कहते हैं पीडीएम एक तहरीक का नाम है, एएनपी और पीपल्स पार्टी ना भी हुई तो तहरीक जारी रहेगी। जहांगीर तरीन के गिर्द हुकूमत का घेरा तंग। एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को 9 अप्रैल को बुला लिया। तलबी का नोटिस माली फ्रॉड के जमन में भेजा गया। नोटिस में कहा गया है, पेश ना हुए तो समझा जाएगा, आपके पास दिफा में कुछ नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी ताउन और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। साबिक सदर ने वैक्सीन की फराहमी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कप्तान नया बैटिंग ऑर्डर बनाएंगे, वजीर आजम इमरान खान का काबीना में मजीद तब्दीलियों का फैसला। बहुत से वजीरा के कलमदान भी तब्दील होंगे। वजीर आजम से सेनेटर अली जफर की मुलाकात। मुमताज कानूनदान को अहम टास्क सौंपे जाने का इम्कान। कराची में NA 249 का जमीनी इंतखाब। मरियम नवाज भी एंट्री देने को तैयार। मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम चलाने 9 अप्रैल को शहर कायद आएंगी। जराए के मुताबिक मरियम नवाज न आई तो हमजा शहबाज कारकुनों का लहू गरमाएंगे। 28 अप्रैल तक कोरोना से मुतासरा इजला में 8वीं तक स्कूल बंद। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासें लगेंगी। विफाक के वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। ए और ओ लेवल इम्तिहानात का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया। पाबंदी से पहले बरतानिया जाने वाले मुसाफिरों के लिए सीए का बड़ा फैसला। इंग्लैंड के लिए मजमूई तौर पर 19 चार्टर्ड परवाजों की इजाजत दे दी। पीआईए को 8 चार्टर्ड परवाजों और ब्रिटिश एयरवेज को 2 परवाजों की इजाजत दी गई है। छुट्टी नहीं होगी और जो हमारा रमजान का जो शॉपिंग फेस्टिवल होता है, पहले अशरा छोड़ के दूसरे अशरे से 11वें रोजे थे, तमाम मार्केट है रात को जिस तरह खुलती है इसी तरह खुलेंगी, एक मार्केट भी कोई बंद नहीं होगी। और अगर किसी सरकारी इदारे ने
हमारे ताजिरों को हाथ लगाने की कोशिश की तो सरीना मोबाइल मार्केट में तो आपने सिर्फ टेलर देखा है, अब हम हाथ भी तोड़ देंगे और टांगे भी तोड़ देंगे। हफ्ते में दो दिन कारोबार बंद रखने का फैसला, ताजिर और सिंध हुकूमत आमने सामने। किसी सूरत भी कारोबार बंद नहीं करेंगे, ताजरों का ऐलान। ताजर इत्तेहाद ने दुकानें बंद कराने वालों की टांगे तोड़ने की धमकी दे दी। पीडीएम में दरार, एएनपी ने इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर ली। अमीर हैदर होती बोले, हमसे जवाब लेने का इख्तियार सिर्फ असद यार वली को है। शोकाज देना ही पीडीएम के खात्मे का ऐलान था। कुछ जमाते इत्तेहाद का अपने मकासद के लिए इस्तेमाल चाहती है, जाति एजेंडे के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान। बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कह दूं कि पीडीएम खत्म, जाहिर सी बात है अगर उसमें से पीपल्स पार्टी नहीं होगी और एएनपी नहीं होगी तो वो तो पीडीएम का वो अब एक नया इत्तेहाद क्या शेप लेता है और क्या मकासद होते हैं वो एक अलग बात है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपोजिशन के नए इत्तेहाद का इशारा। तर्जमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर कहते हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में बहुत ज्यादा खलीज पैदा हो गई। जो पीटीएम इत्तेहाद 2020 में बना था वो अब नहीं रहा। मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम नसीम ज़ैरक 8 में गुफ्तगू। जिस हुकूमत के खिलाफ हम तहरीक चला रहे थे उसी हुकूमत से उन्होंने वोट हासिल किए। क्या दीवार से लगाया जा रहा था, आप मरकजी नायब सदर थे। आज क्या हुआ उसको, ये 10-15 दिन में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि हमने उनको दीवार से लगाया। झुकने और बिकने के भी तरीके होते हैं। एएनपी के अमल से जगहंसाई हुई, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का रद्द अमल। कहते हैं पीटीएम एक तहरीक का नाम है, एएनपी और पीपल्स पार्टी ना भी हुई तो तहरीक जारी रहेगी। जहांगीर तरीन के गिर्द हुकूमत का घेरा तंग। एफआईए ने जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को 9 अप्रैल को बुला लिया। तलबी का नोटिस माली फ्रॉड के जमन में भेजा गया। नोटिस में कहा गया है, पेश ना हुए तो समझा जाएगा, आपके पास दिफा में कुछ नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी तावुन और दरीना बरादराना ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। साबिक सदर ने वैक्सीन की फराहमी पर चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कप्तान नया बैटिंग ऑर्डर बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का काबीना में मजीद तब्दीलियों का फैसला। बहुत से वज़ीरा के कलमदान भी तब्दील होंगे। वज़ीर-ए-आज़म से सेनेटर अली जफर की मुलाकात। मुमताज कानूनदान को अहम टास्क सौंपे जाने का इम्कान। कराची में NA 249 का जमीनी इंतखाब। मरियम नवाज भी एंट्री देने को तैयार। मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी मुहिम चलाने 9 अप्रैल को शहर कायद आएंगी। जराए के मुताबिक मरियम नवाज न आई तो हमजा शहबाज कारकुनों का लहू गरमाएंगे। 28 अप्रैल तक कोरोना से मुतासरा इजला में 8वीं तक स्कूल बंद। 19 अप्रैल से 9वीं से 12वीं जमात की क्लासें लगेंगी। विफाके वजीर तालीम शफकत महमूद की मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई के तीसरे हफ्ते में होंगे। ए और ओ लेवल इम्तिहानात का शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया।